बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल नाज़रीन, ज़फ़र इकबाल एस्पायर रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत हूँ आपके साथ। मैं इससे पहले भी राउरकेला इस्लामाबाद के बहुत से हाउसिंग प्रोजेक्ट शेयर कर चुका हूँ और स्पेशली उनके अंदर मैं देखूँ तो हाउसिंग सोसाइटीज़ भी हैं जिसके अंदर हाई राइज बिल्डिंग्स भी हैं, जिसके अंदर हाई राइज कमर्शल भी हैं। ये डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट हैं जो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर भी कर चुका हूँ। और आज भी मैं आपके साथ एक ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट जो अभी राउरकेला इस्लामाबाद में बिल्कुल नया नया लॉन्च हुआ है, थोड़ा सा अरसा ही हुआ है, इसे लेके आ रहा हूँ। और इस प्रोजेक्ट को कराची का एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है ना वो बिल्ड करने जा रहा है, तो इसके वाले से सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उस पर बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ये जो नीचे रेड कलर का बटन नजर आ रहा है, स्पेशली वीडियो के राइट कॉर्नर के ऊपर आपको रेड कलर का छोटा सा बटन नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज आप तक इन टाइम पहुँच सके। तो चलिए जरा बात करते हैं आज के प्रोजेक्ट के बारे से। आज मैं बात करने जा रहा हूँ डिस्कवरी गार्डन के बारे से। डिस्कवरी गार्डन मोटरवे M2 के ऊपर प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है और इस प्रोजेक्ट को तैयार करने वाले फलकनाज ग्रुप है। फलकनाज ग्रुप की अगर मैं प्रोफाइल देखूँ तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल का हामिल ग्रुप है। कराची के अंदर इससे पहले ये 55 से ज्यादा प्रोजेक्ट वो कम्प्लीट कर चुका है, डिलीवर कर चुका है और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट इनके भी काफी सारे हैं। नारायण के अंदर भी इन्होंने अपने प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। इस्लामाबाद में इनका ये पहला प्रोजेक्ट है डिस्कवरी गार्डन जिसके ऊपर ये काम करने जा रहे हैं। डिस्कवरी गार्डन के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी है, यहाँ पे रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल भी, मिक्स किस्म का एक प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। स्पेशली जो इनका एक टैग लाइन है, ये एक एंटरटेनमेंट सिटी बनने जा रहा है। यहाँ पे डिफरेंट किस्म की आपके एंटरटेनमेंट के हवाले से चीजें मौजूद होंगी, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। सबसे पहले बात करता हूँ कि ये है कहाँ पे। जब आप मोटरवे पे जाते हैं टूवर्ड्स लाहौर की तरफ तो आप जैसे थली इंटरचेंज को क्रॉस करेंगे और उससे आगे कटी पहाड़ी का एरिया आ जाता है, साथ आपके राइट साइड के ऊपर कराची ढा पहाड़ आ जाता है, उसको क्रॉस करेंगे तो आगे सिल रिवर आ जाता है। सिल रिवर से पहले इसका राइट साइड के ऊपर कोई 3.5 किलोमीटर का रकबा इसका फ्रंट बनता है जो मोटरवे के ऊपर है और ये तकरीबन 8 किलोमीटर डीप बैक साइड पे मुजाहिद एक गांव है वहां तक चला जाता है और इसका जो मेन ग्लोवर्ड होगा वो तकरीबन 8-8.5 किलोमीटर वो लंबा होगा। ये डिस्कवरी गार्डन टोटल 35,000 कनाल के ऊपर बिल्ड किया जा रहा है जिसमें से 15,000 कनाल इनके पास कॉम्पैक्ट पीस मौजूद है जिसमें ये अपनी लीगल डॉक्यूमेंटेशन के लिए अपने जो पेपर जमा करवा रहे हैं RDA के अंदर वो इसी में से शामिल है। और इनका प्लान ये है कि जैसे ही हमारी लीगल डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो चुकी आ जाएगी हमने अपनी डेवलपमेंट का काम स्टार्ट कर देना है। तो अभी प्री लॉन्च फेजेस के ऊपर इसके डिफरेंट टाइप की जो है इसकी फाइल्स अवेलेबल हैं, आप वो भी ले सकते हैं। और अगर आप इसकी एग्जैक्ट की लोकेशन इसकी साइट का देखना चाह रहे हैं तो मेरी ये ऊपर एक वीडियो का लिंक मौजूद है जो मैंने साइट विजिट अभी इसी वीक के अंदर करके आया हूं, उस कंप्लीट एग्जैक्ट साइट देख सकते हैं, वो भी लिंक मौजूद है। डिस्कवरी गार्डन के फीचर्स की मैं अगर बात करूं तो डिस्कवरी गार्डन के अंदर एक बड़ी मजे की बात यह है कि इसके अंदर 2 डैम मौजूद है और उनमें से एक जो बड़ा डैम है उस डैम के किनारे के ऊपर ये पूरा एक एंटरटेनमेंट पार्क बनाने जा रही है। उस एंटरटेनमेंट पार्क के अंदर डिफरेंट टाइप की गेम्स मौजूद हैं, वो मैं आपको आगे डिटेल के अंदर भी शेयर करने जा रहा हूँ। डिस्कवरी गार्डन 1200 कनाल के ऊपर एक एंटरटेनमेंट पार्क बनाने जा रही है। इस एंटरटेनमेंट पार्क के अंदर कार्निवल सिटी भी बनेगा, उसके अंदर वाटर पार्क भी बनेगा जिसके अंदर वाटर से रिलेटेड डिफरेंट टाइप की गेम्स के उसके अंदर मौजूद होगी। इसके अंदर कटरोम गेम भी मौजूद होगी, इसी के अंदर आपके लिए मिनी गोल्फ भी मौजूद होगा, इसी के अंदर आपके लिए शूटिंग क्लब भी होगा और हॉर्स रेंचेस भी होंगे। तो ये डिफरेंट टाइप की गेम्स इसके अंदर एक एरिया के अंदर मौजूद होंगे। इसके अलावा इसके अंदर 1000 कनाल के ऊपर फॉरेस्ट भी बनाया जा रहा है। इस फॉरेस्ट को न्यूयॉर्क की तर्ज के ऊपर बनाया जा रहा है जिसके अंदर आप फॉरेस्ट वॉक होगी, डिफरेंट टाइप की जो उसके अंदर के लिए सहूलियात मौजूद होगी जो फॉरेस्ट के अंदर आपको दी जाएगी। फिर जो डैम है उसके किनारे के ऊपर आपके लिए डैम फेसिंग अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं जिसमें आप जब व्यू करेंगे तो आपके लिए सामने एक जबरदस्त किस्म का जो डैम का व्यू भी होगा, साथ पहाड़ भी इसके साथ मौजूद है तो वो हिल का जो है एक जबरदस्त व्यू है वो भी होगा, फॉरेस्ट के भी होगा, आपके लिए एक जबरदस्त किस्म की ये सोसाइटी बनने जा रही है। डिस्कवरी गार्डन के अंदर डिफरेंट साइज की कटिंग्स मौजूद हैं और उसके अंदर जो सबसे छोटी कटिंग है वो 5 मरले की है। 5 मरले की जो बुकिंग है वो 19,80,000 टोटल प्राइस बनती है, 4.5 लाख से आप उस प्लॉट को बुक कर सकते हैं। इसी तरह से 8 मरले की जो कटिंग है वो 30,80,000 रुपये बनती है, 6.5 लाख रुपये इसकी डाउन पेमेंट बनती है। ऐसे ही 10 मरले वाला जो प्लॉट है 37,80,000 रुपये का है और 4.5 लाख रुपये इसकी डाउन पेमेंट बनती है। अगर आप 1 कनाल की बुकिंग करवाना चाहेंगे तो वो 61,80,000 रुपये है और उसकी डाउन पेमेंट 13,50,000 रुपये बनती है। 2 कनाल
माल की जो बुकिंग है 98,80,000 टोटल प्राइस बनती है और 21,50,000 रुपए उसकी डाउन पेमेंट बनती है। तो डिस्कवरी गार्डन के बारे से आप कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहें आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नीचे हमारे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश कर रहे हैं इसके ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये जो नीचे सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा है इस पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक इन टाइम पहुंच सके। आप सब दोस्तों का देखने सुनने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।